सुप्रभात मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं, आज 30 सितंबर सन 2021 मैं कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रोमनी गुरु .com से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, आज के इस शो में हम चर्चा करने वाले हैं राशियों के आधार पर आपका नफा या नुकसान, एग्रो जीन्स के अंदर क्या संभावनाएं बनेंगी तेजी या मंदी की, और स्टॉक मार्केट के अंदर क्या संभावना है, और नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर मेटल के अंदर क्या आज का रुख रह सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, ये सभी जानकारियां आपको फंडामेंटल एनालिसिस एवं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के संयुक्त प्रयासों से आप तक पहुंचाई जा रही है। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले स्वयं का अध्ययन विवेक अपने सलाहकार से भी आप राय कर सकते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी संभवतः विश्व का एकमात्र तरीका, साधन या टूल है जो आपको जानकारी देने की शक्ति रखती है, एनालिसिस अनुसंधान करती है आगे की तेजी मंदी का, जिसका लाइव एग्जाम्पल हम आपको लगातार इस चैनल पर दे रहे हैं। चाहे वो कपास हो, गवार सीड हो, दक्षिण पश्चिम मानसून जैसी अहम सूचनाएं हो, विश्लेषण हो, उसका अग्रिम अनुमान अलर्ट हमने आपको दिया जो अक्षरत सत्य साबित भी हुआ। लेकिन याद रखिएगा, भविष्य की सभी जानकारियां, अनुमान, ये एक विश्लेषण का और रिसर्च का सब्जेक्ट है। आज सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा या नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5 और 9 यानी मेष, सिंह, खतरा भरा हो सकता है, जल्दबाजी नुकसान की ओर ले जा सकती है। विशेषकर 12 से 1 बजे के बीच में रखिए अत्यंत सावधानी। 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि, ये वायु तत्व की राशियां हैं, मिश्रित रुख की ओर इशारा कर रही हैं। विशेषकर 1 से 2 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। वायु तत्व की 3 राशियां 3, 7 और 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये आपके लिए दिन मुफीद यानी शानदार रह सकता है, लेकिन निर्णय तुरंत लें। 2 से 3 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। जल तत्व की 3 राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, 4, 8, 12 दिन अच्छा रह सकता है, धैर्य का, पूरा पूर्व में लिए गए निर्णय का मुनाफा वसूली करने का समय आ चुका है, लेकिन 3 से 4 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। ये थी राशियों के आधार पर आपका नफा या नुकसान एवं खतरे के घंटे। अब कृषि जिन्सों में क्या संभावनाएं बनती हैं। दोस्तों, आपको याद होगा, हमने दक्षिण पश्चिम मानसून पर आपको लगातार अपडेट दिया है और वो अक्षत सत्य साबित भी हुआ है। गौरतलब है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ कहलाती है। अच्छा मानसून, अच्छी फसल, अच्छी अर्थव्यवस्था और भारतीय जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर कृषि का हिस्सा लगभग 20% है। भारत की तरक्की के लिए किसान कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 20% एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो अपना स्थान रखता है। अच्छा मानसून या खराब मानसून बहुत परेशान किसानों को करता है। फसलें, खड़ी फसलों को खराब होते देखना या नष्ट होते देखना कितना दुखदाई है, कितना परेशानी भरा है, ये सिर्फ किसान ही जान सकते हैं और दूसरा कोई नहीं जान सकता। मंडी के व्यापारी भी गोदामों के अंदर पानी भरने से कितना परेशानी उठाते हैं, कैसी उनकी आंखों के अंदर पानी आ जाता है, ये सिर्फ वही जानता है जो उसमें कारोबार कर रहा है। अतः साउथ वेस्ट मानसून को याद कीजिए। मौसम विभाग के खिलाफ जाकर हमने यही कहा था, जुलाई अगस्त सूखा की स्थिति रहेगी, विभिन्न भागों में बहुत कम बरसात होगी। ऐसा ही कुछ हुआ, सितंबर अक्टूबर कहर बरपा देगा और वो कहर आप देख सकते हैं। और ये कहर दोस्तों सिर्फ भारत, महत्वपूर्ण फसल कपास का सबसे बड़े उत्पादक अमेरिका जैसे देश के अंदर भी कपास के उत्पादक जो इलाके हैं, चाहे वो टेक्सास हो, मिसिसिपी हो या डेल्टा हो, वहाँ भी खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा रहा है ये बरसात। तो दोस्तों, कृषि उपज के अंदर आज हम नज़र रखना चाहेंगे कपास के ऊपर। तेज़ी की संभावनाएं बन सकती हैं, यदि आपके पास कपास की होल्डिंग है तो मुझे लगता है कि उसमें तेज़ी बन सकती है। गौरतलब है, पिछले 10-12 दिनों में लगातार बड़ी तेज़ी दर्ज हुई और लगभग 12% तेज कपास हुई। कपास के अंदर इंटर कॉन्टिनेंटल कॉटन एक्सचेंज के अंदर 2011 के बाद उच्चतम स्तर देखा जा रहा है और MCX के अंदर भी 9 सालों का उच्च कपास ने
उच्चतम रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तो दोस्तों, लेकिन कपास के अंदर और भी लंबे मध्यम अवधि के अंदर तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। कपास की तेजी का असर कपास खली और कॉटन सीड ऑयल पे भी पड़ेगा, लेकिन ये मध्यम अवधि के लिए है। इंटरडे के अंदर यानी छोटी अवधि एक दिन के लिए गवार सीड पे नज़र रखी जा सकती है, इसके अंदर तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। तो दोस्तों, कपास और गवार सीड पे नज़र रखिए। गवार सीड पे हमारा विशेष प्रोग्राम जो 6 महीने पहले इसी चैनल पे था, लगभग 85,000 लोगों ने देखा था, और वो गवाह है कर्नल अजय मात्र अकेला ऐसा व्यक्ति था जो गवार सीड 6 महीने पहले खरीदने के लिए बोल रहा था। 3 महीने पहले भी आपको अग्रिम चेतावनी दी थी, और लगभग 1.5 महीने पहले फिर आपको रिपीट किया था, और ये भी कहा था मंदी के लगेंगे झटके, बच सको तो बच जाओ, ऐसा ही कुछ होता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, कपास और गवार सीड के ऊपर ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का आकलन। अब शेयर बाजार के अंदर क्या संभावना बन सकती है, याद कीजिए कल हमने आपको पावर स्टॉक्स में तेजी की बात कही थी। पावर ग्रिड सरकारी क्षेत्र की कंपनी, जबरदस्त तेजी दर्ज हुई। REC तेजी दर्ज हुई। NTPC ऊर्जा क्षेत्र यानी पावर सेक्टर के सभी शेयर्स ने जबरदस्त मुनाफा कमा के दिया। तो दोस्तों, और निफ्टी के अंदर गिरावट भी दर्ज हुई। आज आप नज़र रखिए मेटल, शिपिंग, पेपर, लिकर स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। आज आप नज़र रखिए रेडिको खेतान, यूनाइटेड स्प्रिट, JK पावर, JK पेपर और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स पे आप नज़र रख सकते हैं। सरकारी बैंकों पर भी नज़र रखनी उचित रहेगी। SBI पर आप नज़र रख सकते हैं। यह है शेयर बाजार पर आज की हलचल। अब क्या संभावना बनेगी नॉन एग्रो कमोडिटीज़ में। कल दोस्तों याद होगा हमने नेचुरल गैस के ऊपर आपसे चर्चा की थी। नेचुरल गैस ने बुरी तरह से पिटाई खाई, और जिन्होंने नेचुरल गैस में शॉर्ट किया उन्होंने जबरदस्त लाभ कमाया होगा, बिकवाली की जबरदस्त लाभ कमाया होगा। आज निचले स्तर पर कॉपर के अंदर कुछ बाउंस बैक की संभावनाएं बन रही हैं, उस पर आप नज़र रख सकते हैं दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण बात, ये सभी जानकारियाँ फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर दी जा रही है। नफा नुकसान, लाभ हानि, ये आप स्वयं के विवेक, अध्ययन और अपने प्रामाणिक सलाहकार से भी आप कोई व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप पूछ लें, जानकारी कर लें। एक अहम बात और, स्टॉप लॉस और टारगेट आने पर आप तुरंत मुनाफा बुक करें या स्टॉप लॉस आने पर निकल जाएं। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की अद्भुत गणनाओं को आप भी सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं। ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की क्लास हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं पिछले 22 वर्षों से। देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों ने इसका लाभ उठाया है, निवेशकों ने इसका भरपूर लाभ उठाया। आप भी सीख सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।